जो चलते खड़े होते जप और ध्यान करते खाते पीते जागते सोते तथा बात करते समय भी सदा गंगा जी का स्मरण करता रहता है वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जो पितरों के उद्देश्य से भक्ति पूर्वक गुड़ घी और तिल के साथ मधुयुक्त खीर गंगा में डालते हैं उसके पितर 100 वर्ष तक तृप्त बने रहते हैं और वे संतुष्ट होकर अपनी संतानों को नाना प्रकार की मनवांछित वस्तुएं प्रदान करते हैं जैसे बिना इच्छा के भी स्पर्श करने पर आग जला ही देते हैं उसी प्रकार अनिच्छा से भी अपने जल में स्नान करने पर गंगा मनुष्य के पाप को भस्म कर देती है। जो गंगा के स्नान के लिए उद्धत होकर चलता और मार्ग में ही मर जाता है वह भी निसंदेह गंगा स्नान का फल पाता है। जो लोग खोटी बुद्धि वाले दुराचारी कोरा तर्क करने वाले और अधिक संदेह रखने वाले मोहित मनुष्य हैं वे गंगा को अन्य साधारण नदियों के समान ही देखते हैं। जैसे क्रोध से तप का काम से बुद्धि का अन्ननाश से लक्ष्मी का अभिमान से विद्या का तथा पाखंड कुटिलता और छल कपट से धर्म का नाश होता है उसी प्रकार गंगा जी के दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे मंत्रों में ओमकार धर्मों में अहिंसा और कमनीय वस्तुओं में लक्ष्मी श्रेष्ठ है तथा जिस प्रकार विद्याओं में आत्मविद्या और स्त्रियों में गौरी देवी उत्तम है उसी प्रकार संपूर्ण तीर्थों में गंगा तीर्थ विशेष माना गया है। हरे जो परम बुद्धिमान मनुष्य तुम में और मुझ में भेदभाव नहीं करता वही शिव भक्त जानने योग्य है। अनेक रूप वाले पितर सदा ही गाथा गाते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई गंगा नहाने वाला होगा जो विधि और श्रद्धा के साथ गंगा स्नान कर देवताओं तथा ऋषियों का भलीभांति तर्पण करेगा दीनों अनाथों और दुखियों को तृप्त करते हुए हमारे निमित्त जलांजलि देगा। हमारे कुल में कोई ऐसा पुरुष उत्पन्न होगा जो भगवान शिव और विष्णु में समान दृष्टि रखते हुए उनके लिए मंदिर बनवावे और भक्ति पूर्वक उस मंदिर में झाड़ू देने आदि का कार्य करे। जो गंगा जी का सेवन करता वही मुनि है वही पंडित है वही धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषों की सिद्धि करके कृतार्थ जानने योग्य है। गंगा स्नान करने के लिए तिथि नक्षत्र और पूर्व आदि दिशा का विचार नहीं करना चाहिए क्योंकि गंगा में स्नान करने मात्र से समस्त संचित पाप का नाश हो जाता है। जो प्रतिदिन आदर से गंगा जी का महात्म्य सुनते उन्हें गंगा स्नान का फल होता है। जो पितरों के उद्देश्य से गंगा जल के द्वारा शिवलिंग को स्नान कराते हैं उनके पितर यदि बड़े भारी नरक में पड़े हों तो भी तृप्त हो जाते हैं। जो एक बार भी तांबे के पात्र में खड़े तथा अष्ट द्रव्ययुक्त गंगा जल से भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं वे अपने पितरों के साथ सूर्य लोक में जाकर प्रतिष्ठित होते हैं। जल दूध कुश का अग्रभाग घी मधु गाय का दही लाल कनेर तथा लाल चंदन इन 8 अंगों से युक्त अष्टांग अर्घ बताया है। जो सूर्य देव को अधिक संतुष्ट करने वाला चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण में वृत्तिपात योग में विषुपयोग में तथा दोनों आयनों में मकर और कर्क की संक्रांति के दिन किया हुआ गंगा स्नान 1,00,000 गुना पुण्य देने वाला होता है। यदि सोमवार को चंद्र ग्रहण तथा रविवार को सूर्य ग्रहण हो तो वह चूड़ामणि नामक पर्व कहलाता है उसमें किया हुआ गंगा स्नान असंख्य पुण्यदायक है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र युक्त दशमी तिथि को स्त्री हो या पुरुष भक्ति भाव से गंगा जी के तट पर रात्रि में जागरण करे और 10 प्रकार के 10-10 सुगंधित पुष्प फल नवेद 10 दीप और दशांग धूप के द्वारा बुद्धिमान पुरुष श्रद्धा और विधि के साथ 10 बार गंगा जी की पूजा करे। गंगा जी के जल में धृत सहित तिलों की 10 अंजलि डाले फिर गुड़ और सतु के 10 पिंड बनाकर उन्हीं में गंगा जी में डालें यह सब कार्य मंत्र द्वारा होना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है ओम नमः शिवाय नारायणे
दशहराये गंगाय स्वाहा। यह 20 अक्षर का मंत्र है। गंगा जी के लिए पूजा दान जप होम सब इसी मंत्र से करने योग्य हैं। इस प्रकार मंत्रोच्चारण के साथ धूप दीप आदि समर्पण करते हुए पूजा करके मुझ शिव का, तुम विष्णु का, ब्रह्म का, सूर्य का, हिमवान पर्वत का और राजा भगीरथ का भलीभांति पूजन करें। 10 ब्राह्मणों को आदर पूर्वक 10 सिर तेल तथा इस प्रकार विधान से पूजा संपन्न करके दिन भर उपवास करने वाला पुरुष निम्नांकित 10 पापों से मुक्त हो जाता है। बिना दी हुई वस्तु को लेना, निषिद्ध हिंसा, परस्त्री संगम, यह 3 प्रकार का देहिक पाप माना गया है। कठोर वचन मुंह से निकालना, झूठ बोलना, सब और चुगली करना और अंट संट बातें करना, ये वाणी से होने वाले 4 प्रकार के पाप हैं। दूसरे के धन को लेने का विचार करना, मन से दूसरों का बुरा सोचना और असत्य वस्तु में आग्रह रखना, ये 3 प्रकार के मानसिक पाप कहे गए हैं। पूर्वोक्त प्रकार से दान पूजा और व्रत करने वाला पुरुष 10 जन्मों में उपार्जित इन 10 प्रकार के पापों से निसंदेह छूट जाता है। तदंतर गंगा जी के सम्मुख श्रद्धा पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ पढ़ें। ओम शिव स्वरूपा, श्री गंगा जी को नमस्कार है। कल्याणदायिनी गंगा जी को नमस्कार है। देवी गंगे, आप विष्णु रूपिणी है, आपको नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूपा, आपको नमस्कार है। रुद्र रूपिणी, आपको नमस्कार है। शंकर प्रिया, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। देव स्वरूपिणी, आपको नमस्कार है। ओषधरी रूपा, आपको नमस्कार है। आप सबके संपूर्ण रोगों की श्रेष्ठ विद्या है, आपको नमस्कार है। स्थावर और जंगम प्राणियों से प्रकट होने वाले विष का आप नाश करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। संसार रूपी विष का नाश करने वाली जीवन रूपा, आपको नमस्कार है। आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक 3 प्रकार के कलेशों का संहार करने वाली आपको नमस्कार है। प्राणियों की स्वामिनी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। शांति का विस्तार करने वाली शुद्ध स्वरूपा, आपको नमस्कार है। सबको शुद्ध करने वाली तथा पापों की शत्रु स्वरूपा, आपको नमस्कार है। भोग मोक्ष तथा कल्याण प्रदान करने वाली, आपको नमस्कार है। भोग मोक्ष तथा कल्याण प्रदान करने वाली आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आपको बार बार मेरा नमस्कार है। भोग और उपभोग देने वाली भोगवती नाम से प्रसिद्ध आप पाताल गंगा को नमस्कार है। मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध तथा स्वर्ग प्रदान करने वाली आप आकाश गंगा को बार बार नमस्कार है। आप भूतल, आकाश और पाताल 3 मार्गों से जाने वाली और 3 लोकों की आभूषण स्वरूपा है, आपको बार बार नमस्कार है। गंगा द्वारा प्रयाग और गंगा सागर संगम इन 3 विशुद्ध गंगा स्थानों में विराजमान आपको नमस्कार है। क्षमावती, आपको नमस्कार है। ग्राहपत्य, आह्वनीय और दक्षिणा अग्नि रूप त्रिविध अग्नियों में स्थित रहने वाली तेजोमयी, आपको बार बार नमस्कार है। आप ही अलकानंदा है, आपको नमस्कार है। शिवलिंग धारण करने वाली, आपको नमस्कार है। सुधा धरामयी, आपको नमस्कार है। जगत में मुख्य सरिता रूप, आपको नमस्कार है। रेवती नक्षत्र रूपा, आपको नमस्कार है। बृहती नाम से प्रसिद्ध आपको नमस्कार है। लोगों को धारण करने वाली आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। संपूर्ण विश्व के लिए मित्र रूपा, आपको नमस्कार है। सबको स्मृति देकर आनंदित करने वाली आपको बार बार नमस्कार है। आप पृथ्वी रूपा है, आपको नमस्कार है। आपका जल कल्याणमय है और आप उत्तम धर्म स्वरूपा है, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। बड़े छोटे सैकड़ों प्राणियों से सेवित आपको नमस्कार है। सबको तारने वाली आपको नमस्कार है, नमस्कार है।
संसार बंधन का उच्छेद करने वाली उदित रूपा आपको नमस्कार है। आप परम शांत सर्वश्रेष्ठ तथा मनोवांछित वर देने वाली हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप प्रलय काल में अग्र रूपा है तथा अन्य उत्तम जीव प्रदान करने वाली हैं। आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म ज्ञान देने वाली तथा पापों का नाश करने वाली हैं। आपको बार बार नमस्कार है। प्रणत जनों की पीड़ा का नाश करने वाली जगन माता आपको नमस्कार है। आप समस्त विपत्तियों की शत्रु भूता तथा सबके लिए मंगल स्वरूपा है। आपके लिए बार बार मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। शरणागतों को दीन तथा पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली और सबकी पीड़ा दूर करने वाली हैं। आपको अथवा अविद्या रूपी मल से निर्मित दुर्गम दुख का नाश करने वाली तथा दक्ष आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। आप पर अपर सबसे परे हैं मोक्षदायिनी गंगे आपको नमस्कार है। आप मेरे आगे हो गंगे आप मेरे पीछे हैं। आप मेरे अभय पार्श्व में स्थित हो तथा मेरी आप में ही स्थिति है। आकाश गामिनी कल्याणमय गंगे आदि मध्य और अंत में सर्वत आप ही हैं। गंगे आप ही मूल प्रगति हैं। आप ही परम पुरुष हैं। आप ही परमात्मा है। शिव शिवे आपको नमस्कार है। जो श्रद्धा पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ पढ़ता सुनाता है मन वाणी और शरीर श्रद्धा द्वारा पूर्व तक 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। यह स्त्रोत जिसके घर में लिख कर रखा हुआ हो उसे कभी अग्नि चोर सर्प आदि का भय नहीं होता। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र सहित 10वीं तिथि का यद्य बुधवार से योग नहीं हो तो उस दिन गंगा जी के जल में खड़ा होकर जो 10 बार इस स्तोत्र का पाठ करता है वह दरिद्र हो या असमर्थ वह भी उसी फल को प्राप्त कर लेता है। पूर्वत विधि से यत्न पूर्वक गंगा जी की पूजा करने पर उपलब्ध होने वाले बताया विष्णु जैसे मैं हूँ वैसे तुम हो, जैसे तुम हो वैसा मैं हूँ उमा देवी, और जैसी उमा देवी है वैसा गंगा है। इन चारों रूपों में भेद नहीं है। गंगा जी की महिमा। भगवान शिव कहते हैं जो तीनों लोकों में प्रभावित होने वाली गंगा जी के तट पर जाकर एक बार भी पिंडदान करता है वह तिल मिश्रित जल के द्वारा अपने पुत्रों का भवसागर से उद्धार कर देता है। संपूर्ण देवता और पितर गंगा जी में सदा वर्धमान रहते हैं इसलिए वहां उनका आह्वान और विसर्जन नहीं होता। पिता के कुल में अथवा माता के कुल में तथा गुरु ससुर और भाई बंधु के कुल में जो अपने संबंधी मरे हैं अथवा जो अन्य बंधन बांधु मृत्यु को प्राप्त होते हैं जो दांत निकलने के पहले अथवा गर्भ में ही पीड़ित होकर मर जाते हैं जो अग्नि बिजली और चोर के द्वारा मारे गए हों जो व्याघ्र अथवा अन्य धाड़ों वाले हिंसक जीवों से मारे गए हों जो फांसी लगाकर या ऊपर से नीचे गिरकर मरे हों जिन्होंने आत्मघात किया हो अथवा जो अपना शरीर बेचने वाले चोर यज्ञ के अन्य अधिकारियों से यज्ञ कराने वाले रस विक्रय पाप रोगी घरों में आग लगाने वाले जहर देने वाले अथवा गो हत्यारे रहे हों और अपने कुल में ही उनका जन्म हुआ रहा हो उनको भी यदि एक बार मनुष्य विधि पूर्वक गंगा जल से तर्पण करें तो भी स्वर्ग लोक में पहुंच जाते हैं और यदि पहले से स्वर्ग में हो तो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तीनों लोकों में जो कोई भी मनोवांछित फल देने वाले हैं वे सब काशी में उत्तर वाहिनी गंगा का सेवन करते हैं। केवल गंगा भी मुक्ति देने में समर्थ है ऐसा निर्णय हो चुका है किंतु अभी मुक्त क्षेत्र में मेरे निवास स्थान के कौरव से भी वे विशेष रूप से मुक्तिदायिनी होती है। पापों से चंचल चित वाले तथा संसार रूपी रोग से ग्रस्त रहने वाले मंद बुद्धि मनुष्य के लिए गंगा जी ही सर्वश्रेष्ठ है। जो गंगा जी के तट पर टूटे फूटे घाटों का संस्कार करते अथवा वहां के गिरे पड़े देव मंदिरों का जीर्णोद्धार करते वे मेरे लोक में चिरकाल तक अक्षय सुख भोगते हैं। मनुष्यों की हड्डी जब तक गंगा जी के जल में स्थित रहती है उतने हजार वर्ष तक वे स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। स्कंद जी कहते हैं
मुनिवर अगस्त्य, वस्तु शक्ति का यह विचार अद्भुत एवं अनिवर्चनीय है। गंगा जी, ध्रुव के रूप में भगवान सदाशिव की कोई पराशक्ति है? करुणा रूपी अमृत से परे हुए देवाधिदेव भगवान शंकर ने समस्त संसार का उद्धार करने के लिए ही गंगा जी को व्रत किया है। मुने, गंगाधर शिव ने दयावश श्रुतियों के अक्षर को निचोड़कर उस ब्रह्मदेव से ही गंगा का निर्माण किया है। निर्माण किया है जो गंगा जी के तट की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाता है, उसका अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। गंगा अपने नाम का कीर्तन करने से मुण्य पुण्य की वृद्धि और पाप का नाश करती है। दर्शन स्पर्श जलपान तथा उसमें स्नान करने से क्रमश 10 गुना फल होता है, ऐसा जानना चाहिए। ऋषियों द्वारा सेवित भगवान विष्णु के चरणों में से उत्पन्न अति प्राचीन तथा परम पुण्यमय धारा से युक्त भगवती गंगा जी जो लोग मन से शरण लेते हैं वे ब्रह्म धाम को प्राप्त होते हैं। जो माता की भांति इस संसार के जीव को पुत्र मानकर सदा उन्हें स्वर्ग लोक को पहुंचाती है और संपूर्ण उत्तम गुणों से संपन्न है तथा ब्रह्म लोक की इच्छा रखने वाले जितेंद्रिय पुरुषों को सदा ही उस गंगा जी की उपासना करनी चाहिए। जैसे ब्रह्म लोक सब लोकों में उत्तम है, उसी प्रकार गंगा समस्त सरिताओं और सरोवर में श्रेष्ठ है। गंगा के जल में स्नान करने वाले पुरुषों का समस्त पातक तत्काल नष्ट हो जाता है और उसे उसी क्षण महान श्रेय की प्राप्ति हो जाती है। गंगा में पुत्र पौत्र आदि यदि अपने पितरों के लिए श्रद्धा पूर्वक जल देते हैं तो उस जल से भी वे पितर 3 वर्षों तक पुण्यता तृप्त रहते हैं। तुला नरहित अनंता जिसका कभी कहीं भी अंत ना हो, अमृत स्त्रवा अमृतमय जल का स्तोत्र बहाने वाली अत्युदारा अतिशय उदार किसी को भी शरण में लेने वाला सदगति देने में संकोच ना करने वाली अभय भय रहित जिसका आश्रय लेने से संसार भय का निवारण हो जाता है, ऐसे अशोका शोक से रहित अथवा जिससे शोक का निवारण होता है, ऐसी अलकंदा अलकनवासियों को आनंद देने वाली अथवा केशों में जिसके जल का स्पर्श होने से आनंद प्राप्त होता है, ऐसी अमृता सुधा रूपणी अथवा मुक्ति देने के कारण अमृत स्वरूपा अमला निर्मल जल वाली अथवा संसार रूपी मल का निवारण करने वाली है, अनाथ वत्सला अनाथों पर दया करने वाली अमोघा जिनकी सेवा कभी व्यर्थ नहीं हो जाती, अपायोनी जल की उत्पत्ति का स्थान अमृत प्रदा मोक्ष प्रदान करने वाली अव्यक्त लक्षणा अव्यक्त ब्रह्म स्वरूपा अथवा अपवक्त प्रगति रूपा अभ्योध्या किसी के द्वारा भी शुद्ध ना की जा सकने वाली